laws. राजकोट जिला धोराजी फॉरेस्ट विभाग की टीम द्वारा देशी बावड़ना लाकड़ा कापता बे शख्सों ने भागी छूटा था। धोराजी फरणी रोड पर फॉरेस्ट ऑफिसर निहारिका बेन पंडिया और स्टाफ पेट्रोलिंग दरमियान फरणी रोड पर देशी बावड़ा लाकड़ा कापता हो त्यारे वाहन तथा साधनों कब्जे कराया। आ फरणी रोड पर देशी बावड़ लाकड़ा कापता जे आरोपी भागी छूटेल तेने आज रोज बे शख्सों ने वाहन और मुद्दावाल साथ पकड़ी पाड़ेल। निहारिका पंडिया रेन्ज फॉरेस्ट ऑफिसर धोराजी तारीख 25/10/2024 रोज रात्रि समय 10-12 वाग्यानी आसपास अमे लोग जयरे पेट्रोलिंग में था त्यारे धोराजी फरणी रोड साइड नी अंदर लाकड़ा कटिंग थई रहेल अमारा ध्यान में आवेल हतुं। जे बाबत ने अमे लोकोए सघन तपास करता रात्रिना 12 वाग्या पछीना धोराजी फरणी रोड पर बोलेरो गाड़ी अमारा ध्याने आवता जेनी अमे तपास राखी अने तेनी वॉच करी रोड साइडनी अंदर लाकड़ा कटिंग करता बे आरोपी ने अमे पकड़वानो प्रयास करेला परंतु तेओ भागी छूटवामां सफल रह्या हता। त्यारबाद अमे लोकोए तेनी तपास करी अने बपोरना 3 वाग्या सुधी बन्ने आरोपीनी अटक करेली छे। तेमनी पासेथी रहेल मुद्दामाल अमे लोकोए जप्त करेल छे। तेनी बोलेरो गाड़ी पण अमे लोकोए अटक करेली छे। अत्यार सुधी आरोपीए धोराजी फरणी रोड साइडनी उपर અંદાજે 7 જેટલા બાવળના કટિંગ કરેલ છે તેમજ ભાદરકાંઠા વિસ્તારની અંદર પણ તેમણે કટિંગ કરેલ છે। એ સિવાય કેનાલ સાઈડમાં પણ તેઓએ અવારનવાર ગાડી પોતાની ભરવા ગયેલ છે તેવી કબૂલાત કરેલ છે। ત્યારબાદ હજી તેઓની પાસે અમે લોકોએ 1,00,000 દંડ વસૂલ કરી અને તેને જામીન ઉપર છોડેલ છે। ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। આ બંને આરોપીઓ ધોરાજીના વિવિધ વિસ્તારમાં દેશી બાવળ કાપતા હોય તેવી કબૂલાત કરેલ। બંને આરોપીઓ પર 1,00,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો અને જામીન પર છોડવામાં આવેલ। ધોરાજીથી અલ્પેશ ત્રિવેદીનો રિપોર્ટ।